जिस तरह के हाजिर जवाब आप हैं, खास करके जब मीडिया इंटरेक्शन होता है, ये हाजिर जवाबी आपने सीखी कहाँ से? योर लुक समय या सर? हाजिर जवाबी है तो आई डोंट थिंक किसी से सीख सकते हैं, वो इनबिल्ट होता है. तो लीजिए आपका जवाब हाजिर. ओके, जिस तरह का रिस्पांस फिल्म को मिल रहा है, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं प्रोमो को, गाने को, हर लिहाज से फिल्म को पसंद करा जा रहा है, ये कितना पॉजिटिव साइंस है और कितना पॉजिटिव साइन है? और उसके अलावा कहीं नर्वसनेस होती है कि अगर फिल्म उस एक्सपेक्टेशन तक ना पहुंच पाई या ऑडियंस वहां तक ना खींच पाई, डू यू फेस? ये तो जब भी फिल्म को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ एक ट्रेलर की वजह से, बहुत यू नो इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है. बट हाँ, थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि हमें यू नो अगर वो सब टू एंटरटेन दैट लार्ज एन ऑडियंस, इतना भी कभी भी हम लोग जितना भी अपना प्रोडक्ट में मेहनत डालें, वो थोड़ी नर्वसनेस आई थिंक होनी बहुत ज़रूरी है कि from our heart we wish that we entertain everyone, but the nervousness is always there. Okay, Zareen, आप मानती हैं क्या इस फिल्म के प्रोमो के बाद, ट्रेलर के बाद, एक नए एक अलग मकाम पे ज़रीन खान को देखा जा रहा है? इंडस्ट्री की बात करें या क्रिटिक की बात करें या ऑडियंस की बात करें, मकाम तो मुझे नहीं पता, बट एक अलग लाइट में, एक अलग परसेप्शन से ज़रूर देखा जा रहा है, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि लोगों का एक फिक्स्ड परसेप्शन था मेरे बारे में, और आई थिंक ये प्रोमोस के बाद वो चेंज हो गया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है. ओके, डेजी, कितना डिफरेंट होने वाला है फिल्म की कहानी, अगर बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंपेयर में, कितना डिफरेंट है? कहानी तो देखिए, तो पहले दोनों इंस्टॉलमेंट्स जो थे उनकी कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट थी. खाली ये चीज़ कॉमन रखी गई थी कि वो पूरा बदले का जो उन लोग ने बेस रखा हुआ है वही है मूवी के अंदर. तो हेचरी 3 में भी जो रिवेंज है वो बेसिक जिस्ट है मूवी की, पर स्टोरी डेफिनेटली डिफरेंट है बाकी दो इंस्टॉलमेंट से. इसके अंदर चार लोग हैं, तो चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी चीज़ के लिए रिवेंज ले रहे हैं, और दैट्स हाउ इट इज़ लाइक ओपन लव एंड हिडन हेट. वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मूवी उसी के बारे में. एग्जैक्टली, 4 दिसंबर को आपको देखना पड़ेगा वो मूवी, वो जानने के लिए कि कौन किसके साथ रिवेंज ले रहा है और क्यों ले रहा है. शुरू में ये खबरें थी, यू डूइंग अ कैमियो इन द फिल्म, अब आप पे गाना भी बढ़ाया गया है, क्या ये आपकी तरफ से था या इट जस्ट हैपेंड कि देयर इज अ नीड ऑफ इट? एक्चुअली जब नरेशन दिया था मुझे विशाल ने, तभी उन्होंने कहा था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका एक ही गाना है, बट इट वॉज़ नॉट डिसाइडेड कि अगर वो लोग सेकेंड सॉन्ग करने वाले थे कि नहीं, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने सेकेंड गाना भी शूट किया है. सो मुझे एक और गाना मिल गया परफॉर्म करने के लिए, और क्या मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि गाने में ही परफॉर्म करती नजर आएंगी आप या फिल्म का और बड़ा हिस्सा हैं आप? What I am trying to say is, हाँ. are you doing a bigger part of the film, or you just there for the film for two song or two dialogues? I think I am not playing a character जिसका खाली you know रहने के लिए मतलब रखा हुआ है फिल्म के अंदर. I am not that showpiece in the movie. तो जो character है वो important है, और अगर important नहीं होता तो शायद poster में भी वो character को add नहीं करते थे. अच्छा, तीनों के किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं तीनों, एक एक करके? ज़रीन सबसे पहले आप बताएं. मैं सिया दीवान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो आदित्य दीवान की बीवी है, जो शर्मन जोशी प्ले कर रहे हैं. और मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो ये आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती अभी आपको. मेरा कैरेक्टर नेगेटिव. कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किरदार का नाम क्या है और कैसे? सौरभ सिंघानी है उसका नाम, और काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत शेड्स हैं, और बाकी सब आपको फिल्म देखकर पता चल जाए. डेजी, व्हाट अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम काया शर्मा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है ये, बिजनेस वूमेन, अथरो बिजनेस वूमेन, और वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. अच्छा, फिल्म के गाने की बात करें तो म्यूजिकली फिल्म काफ़ी हिट हो गई है, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म के लिए, क्योंकि म्यूज़िक से ही फिल्म का पता चल जाता है कि फिल्म कैसी होगी, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म को लेकर? नहीं, आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि जिस फिल्म के गाने अच्छे हो वो फिल्म भी अच्छी हो. लकीली हमारे गाने भी अच्छे कर रहे हैं और फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि ट्रेलर को यू नो लोगों ने बहुत पसंद किया है. सो
आई वुड जस्ट से कि ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ गाने अच्छे होने से फिल्म अच्छी होती है, बट अगर गाने हिट होते तो थोड़ा जो अटेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है मूवी की तरफ. तो वी आर हैप्पी के ट्रेलर को जितना प्यार मिला है उतना ही प्यार उन लोग ने सॉन्ग्स को भी दिया है, उतना ही पसंद किया गया है लोगों से. सो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, इट्स जस्ट वर्किंग. बात करें फिल्म की रिजल्ट की, हिट स्टोरी 1 और हिट स्टोरी 2 सक्सेस हुई थी और इसके गाने और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुकी, तो क्या आप सभी अपने आप को सिक्योर मान रहे हैं कि अब फिल्म अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा? मतलब कोई प्रेशर है? आई थिंक रिलीज होने तक यू नेवर नो कि यू नो फिल्म का फेट क्या है. अभी जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है हमारी फिल्म को उससे तो काफ़ी खुशी है और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है. बट वी कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस फॉर 4th of December एंड आई होप लोगों ने प्रोमोज और सॉन्ग्स को जितना प्यार दिया है हमारी फिल्म को भी उससे ज़्यादा प्यार दिया. जी जरीन, कहीं ना कहीं चैलेंज था आपके लिए कि इस तरह का किरदार निभाना, क्योंकि इसके पहले आपने इस तरह का किरदार निभाया? ऑफकोर्स चैलेंज तो था, दोनों तरीके से चैलेंज था, मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया है. तो अपने आप को मनाना, उस माइंडसेट में लाना, यू नो, टू डू बोल्ड सीन्स एंड ऑल. और फिर जब आप बोल्ड सीन्स करने का डिसीजन लेते हो तो योर बॉडी हैज़ टू लुक राइट, तो a lot of physical preparation goes in that. तो काफ़ी preparation हुई थी. बात करें हम आपके mentor की, आपके mentor भी सलमान खान रह चुके हैं, डेजी के भी mentor सलमान खान रह चुके हैं, तो ये सारा reaction और trailer और song launch के बाद उनका क्या reaction था, उन्होंने आपको क्या compliment दिया, वो जानना चाहिए. वेल मैं सलमान से बहुत इंटिमिडेटेड हूँ, तो मैंने सलमान से ये 1-on-1 कॉन्वर्जेशन अभी तक नहीं की है कि उनको ट्रेलर कैसा लगा और हमारा काम कैसा लगा. बट हम उनके शो पे गए थे हमारी फिल्म प्रमोट करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि प्रोमो, सबके सामने कहा था कि हमारा प्रोमो अच्छा है, तो आई थिंक बस मैं उसी से खुश हूँ. अब बिग बॉस में ही उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ट्रेलर देखा और उनको अच्छा लगा है, ही इज़ हैप्पी द वे वी आर गोइंग अहेड विद आवर करियर्स. एंड आई गेस उन्होंने एक चीज़ और भी मेंशन की थी, क्योंकि मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखाया गया है क्या नहीं दिखाया गया, पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मेरी जो लड़कियां हैं वो इनको सौंपी है मूवी के लिए. तो आई गेस जितने भी लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि अगर सलमान खान ने मुझे एडवाइस नहीं दी थी ये मूवी लेने के लिए, तो आई गेस यू गाइस आर रॉन्ग. एंड आई डोंट नो वेदर बिग बॉस में ये दिखाया गया था कि नहीं, बट ये उनके वर्ड्स थे. करियर के लिए बूस्ट ही होती है, और आई थिंक ये हमारे लिए कोई अलग नहीं होगा. आई थिंक ये फिल्म अच्छी, अगर ये फिल्म ने अच्छा किया जो हम होप कर रहे हैं करें, तो ये हमारे सबके लिए अच्छा होगा. बिकॉज यू नो वी आर नॉट वेरी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री, हमने अभी शुरुआत की है, करण डेजी हम सब ने अभी शुरुआत की है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर आवर करियर. बॉलीवुड में जब भी दो हीरोइन एक साथ आती है तो उनके मतलब सेट पर से ऊंच नीच की खबरें आती है उनके स्वभाव को लेकर, या ऐसा तो आप दोनों की सेट पर बॉन्डिंग कैसे? ये फिल्म के अंदर मेरा और जरीन का कोई भी ट्रैक साथ में नहीं है, वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो देयर इज नो सेंस ऑफ, देयर इज नथिंग लाइक कैट फाइट्स हैपनिंग ऑन द सेट्स बिकॉज़ वी वर नेवर टुगेदर ऑन द सेट्स. करण, आपको देख के लग रहा है कि आपका किरदार कुछ इसी तरह का, कम बोलना, ज्यादा सुनना लोगों को और हल्की सी स्माइल देना, यही है क्या आपका किरदार कुछ जी? और बदला लेना? और नहीं, मेरा अभी तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना. क्या तुम शांत बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं? वो आप यू नो इट्स मैं रूड मानता हूँ उन लोगों को जो आउट ऑफ टर्न स्पीक करते हैं. और जब दो लेडीज़ मेरे साथ बैठ के बात करें तो उस वक्त उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है जी. तो दैट इज़ व्हाई चलते चलते व्यूअर्स से एक बार अपील. एक मिनट, इनको पूछ रहे हैं, कब से पूछना शुरू? सॉरी सॉरी, इफ वी टॉक अबाउट, ओके आप पूछ लो. इफ वी टॉक अबाउट योर मूवी, इट्स अबाउट रिवेंज, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ रिवेंज हुआ लिया है या फिर कभी ऐसा सोचा है? सोचा तो बहुत बार है रिवेंज लेने का, बट देन थैंकफुली यू नो आई बिलीव इन कर्मा, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर किसी ने इफ समबडी इज हर्ट मी और समथिंग लाइक दैट, वो मेरे आंखों के सामने उनके साथ जो होना है गॉट टेक्स केयर ऑफ इट. ओके, करण आप? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैं किसी से बदला लेना चाहूँ. देयर हैव बीन टाइम्स दैट यू नो आई हैव बीन रॉन्ग, बट मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ और मैं ये सब चीज़ें अपने दिल में नहीं रखता. And Daisy, what about you? In my case, I don't hold grudges against anybody. So if I'm hurt, अगर मुझे किसी ने कुछ किसी भी तरीके से तकलीफ पहुँचाई है तो
मेरे लिए वो इंसान के मायने नहीं रखते. आई डोंट एक्नॉलेज दैट पर्सन. लाइक आई दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी. ओके डन डन डन. थैंक यू.